हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? एक नंबर है। मैं आपका सोनू श्रीवास्तव अयोध्या से जो है बिलोंग करता हूं। ओके। और मैं इस समय गुजरात गिफ्ट सिटी के बगल में खड़े रतनपुर गांव है, रतनपुर, और वहीं पर मैं हूं। और हमारे एक जो है अंकल जी हैं, और ये अपना जो है कुछ बिजनेस करते हैं। ये जो है पानी पूरी है। अच्छा अच्छा जी, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इनसे जो है बातचीत करके मैं परिचय आपका कराता हूँ कि ये अपने घर का अपना बिजनेस करके किस तरीके से अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का किस तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ही कठिन परिश्रम करके और यहाँ पर तक आए हैं। और ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर गुजरात में 15 साल से हूँ, झांसी के ये रहने वाले हैं। तो मैं इनसे आपका मैं परिचय कराता हूँ। हाँ अंकल जी, आपका क्या नाम है? मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना नाम है। कहाँ के जो है रहने वाले हैं? जालौन डिस्ट्रिक्ट। जालौन। अच्छा, जालौन डिस्ट्रिक्ट से। तो ये किस चीज़ का जो है बिजनेस है? अच्छा अच्छा, ये पानी पूरी का है। आटा जी। अच्छा अच्छा, तो ये कब से कर रहे हो आप? 15 साल से आप कर रहे हो। तो ये बिजनेस वहाँ भी आप जो करते थे? नहीं, हम चल रहे जब होना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको यहाँ आए जो है 15 साल। तो 15 साल आपको यहाँ आए हुआ तो रतनपुर गांव में ही है कि कहीं पर और? घर पे ही सब लोग जो है खेती बाड़ी करते होंगे। अच्छा, तो ये जो आप कर रहे हो, आप अपना इतना परिश्रम करके कर रहे हो, तो इससे आपका जो खर्चा निकलता है, इससे घर का जो है पालन पोषण हो जाता है? अपने कर रहे हैं, अपने और का। अच्छा अच्छा, पार रहे। तो ये आप बताइए कि दिन भर में जो है कितने रुपए इससे जो है कमा लेते हो आप? 400-600 रुपये आप कमा लेते हो। तो इसी बिजनेस को आप कितना इसमें जो है पैसा जो है लगता है? आलू लग जाते हैं, आटा है, तमाम है। मतलब टोटल मिलाकर ये जो आप जो है पानी पूरी खुद से बनाते हो? अच्छा, खुद से बनाते हो। तो इसको बनाने में कितने रुपया जो है खर्चा होता है? अरे 100-150 रुपये बच जाते हैं। 100-150 रुपया बच जाता है, मतलब डेली का 100-150 रुपया बच जाता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये 500-600 रुपया कमाते हैं, तो 500-600 रुपया में अपना जो खर्चा होता है ये 200-300 रुपया उसको निकालने के बाद जो है 200-300 रुपया जो है तो बच जाता है। चलिए अंकल जी, आपसे जो है मिलकर बड़ी खुशी हुई, और जो है ईश्वर ऐसे मैं जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही कठिन परिश्रम करते रहें और अपने घर का पालन पोषण जो है करते रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को मतलब ये रूबरू कराना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना कठिन परिश्रम करके अपने घर का जो है पालन पोषण कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।